पश्चिम बंगाल का रहने वाले हैं, उन्होंने थाने पर आके रिपोर्ट दी कि एक शख्स आया मेरे पास, कहा कि साहब आपको रजिस्ट्रेशन का टिकट बना देता हूँ मैं। इस बहाने उस व्यक्ति को, जो बुजुर्ग थे करीब 61 वर्ष के, उनको बाहर लेके गया स्टेशन से और मोबाइल में कांड छांड करके और उनको प्रिंट करके दे दिया कि भैया आपका टिकट है। और उक्त टिकट इसने मोबाइल में एडिट करके और फर्जी तरीके से बनाया है। और ये व्यक्ति सुनील वर्मा नाम का है, जो ये भी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इस तरह से ये लोगों के साथ में मोबाइल में एडिटिंग करके फर्जी टिकट बना के चीटिंग करता है और पैसे लेके फरार हो जाता है। इस तरह की सूचना मिलने पर हमारे GRP थाने की और RPF थाने की संयुक्त टीम ने इसको तलाश करके और कल देर रात अजमेर से ही पकड़ा है और बाद पूछताछ को गिरफ्तार किया गया। ये व्यक्ति पश्चिम बंगाल का रहने वाला है, 10वीं पास है, अंग्रेजी में अच्छी तरह से पारंगत है और मोबाइल में इसने फॉर्मेट फिक्स कर रखा है ट्रेन के टिकट का। तो जिस जहाँ की भी ट्रेन उसको चाहिए, उस ट्रेन का नाम बाकायदा ये ट्रेन नंबर सीट नंबर एडिट करके उसको प्रिंट करके दे देता और पैसा ले लेता। इस तरह से कम 4-5 सालों से ये सक्रिय है और पूरे देश भर में इसने अजमेर, जयपुर, दिल्ली, सिलीगुड़ी, कलकत्ता, हैदराबाद, तमिलनाडु, हर जगह इसने इस तरह की वारदातें करी है और करीब ये 1000 लोगों को इसने शिकार बनाया है। सर, अपन ने किस तरह से पकड़ा इसको? इसका हमारे पास पहले से एक इनपुट था कि इस तरह का एक आदमी चीटिंग करता, तो हमारे लोग सिविल में हमने लगा रखे थे, काफ़ी टाइम से प्रयास में भी थे। और कल ये परिवादी आए तो इनको भी साथ लेकर हमने तलाश किया और इसी हुलिया के और इसके आधार पर हमने इसको गिरफ्तार किया। ये लोग ट्रेन के अलावा ये ज़रूरतमंद को उसके मुताबिक देख के और हवाई टिकट भी बना लेता है। वो कहता है अगर आपका ट्रेन में नहीं मिला तो क्या आपको मैं प्लेन का टिकट करवा दूँ? ज़रूरतमंद आदमी इसको बोल देता है कि भाई मुझे ठीक है, आप प्लेन का टिकट करा दो। तो ये ट्रेन के टिकट भी इसने फर्जी बना के लोगों के साथ चीटिंग की है और ये इसका शौक ये है कि इनके पैसों से 3-स्टार 5-स्टार होटलों में रुकना, महंगी गाड़ियों में किराए की घूमना, खाने पीने में पैसा इसने खर्च किया है। बाकी अभी अनुसंधान जारी है। क्या उम्र होगी इसकी? उम्र 24 साल है, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इससे क्या कुछ बरामद हुआ है? अभी इसके कब्जे से फर्जी टिकट वगैरह बरामद हुए हैं और अनुसंधान के दौरान और मुकदमों में पूछताछ जारी है, अन्य चीज़ें और बरामद की और वारदात की कोशिश करें, खुलासा होने की उम्मीद है।